आज दिनांक 12 अक्टूबर मैं डॉक्टर श्यामलाल हर्ष आज सुल्ताना गांव जो लूनी के पास में दुंदरक आर शेट्टी की ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे आज हम खनिज ईट मिनरल ब्लॉक है वो तैयार कर रहे हैं। आप देखो कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मुल्तानी मिट्टी ली है और उसके अंदर इन्होंने 1 किलो 5 किलो लिया मुल्तानी मिट्टी या मेट, 1 किलो इन्होंने किया है कि इसके अंदर मिलाया है नमक खाने वाला और 1/2 किलो इन्होंने मिलाया इसके अंदर है वो काला नमक। इन्होंने इसमें कुछ चूना मिलाया है, चापड़ मिली है 1 किलो और इसमें कुछ इन्होंने मिनरल पाउडर जो बाज़ार में मिलता है वो भी इन्होंने मिलाया है। अब आप देखिए इस तरह की इन्होंने ईंट बनाई है, इसके बीच में इन्होंने एक खड्डा किया है ताकि क्या है कि सूखने के बाद में गाय के सामने इसको धागे में एक जो खड्डा है उसमें धागा डाल के लटका देंगे, 10 मिनट तक ये रखेंगे जिससे कि गाय है वो आराम से इसको चाटेगी, जिससे क्या होगा कि उसके आराम से इधर उधर वो मुंह नहीं डालेगी और उसकी पाचन क्रिया है कोई भी चीज़ पच जाएगी, पानी ज़्यादा पिएगी और दूध भी अच्छा होगी, वह स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सुल्ताना गांव में आरसीटी की ट्रेनिंग के अंदर है, वो है वह मिनरल यानी खनिज ईंट का निर्माण कर रही है। तो ये था खनिज ईंट का कैसे निर्माण हो रहा है, आप ये देखिए ये सब कर रही है। तो इन सबको धन्यवाद आरसीटी के श्री नवीन जी वैष्णव या के टीसीओ है श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, उनको भी धन्यवाद कि और इन सबको धन्यवाद कि ये खनिज ईंट का निर्माण कर रही है। धन्यवाद।